वैशाली कहाँ चली? अभी आती हूँ। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर। सरदार, मुझे मैं जाऊंगा। सरदार, मुझे जाने दीजिए। सरदार, मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो। जाओ। के नहीं है मेरे ये आंसू और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खोलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। दो दिन बाद तुम्हें कूच करना है। तैयारी करो, ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ। अवंतिका, अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। क्या हुआ अवंतिका? कल यहीं उसने मेरे हाथ पर चिन्ह गोद दिया था। मुझे देखकर वो फिर आएगा।
अवंतिका, ये क्या है तुम्हारे कंधे पर? अवंती, तू जा, मैं आती हूँ। अवंती सुनो, कंधे पर मेरी कला देखी, पसंद आई ना? यू मुंह लटकाए काहे बैठी हो? हंस नहीं सकती? बाप रे बाप, ए तीर क्यों चला रही है? मेरी जान लेना चाहती है क्या? कौन हो तुम? हाँ, ये है ना सही सवाल। मेरा नाम शिवा है, अंबोली गांव से आया हूँ। तुम्हारे लिए वो जल पर्वत चढ़ के क्या लड़की है? इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। देख लिया ना, ऐसे ही गड्ढे में गिर गई। अवंतिका, अब बोल कौन है तू? मैं सच कह रहा हूं, मैं वो जल पर्वत चल के केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। वही तो, मैं शिव ही तो हूं। बताता हूँ, सब बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंधार, ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं।